राजस्थान में कोई भी परीक्षा हो, या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर नकलची अपने नकल का ऐसा जुगाड़ बना डालते हैं जिसके बारे में शायद ही कोई सोच पाए। अजमेर पुलिस की गिरफ्त में आए इस आरोपी को ही देख लीजिए। सहायक आचार्य सांख्यिकी अधिकारी वाली परीक्षा में ये 2 लाख रुपए लेकर किसी और की जगह परीक्षा देने पहुंच गया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब इसके दस्तावेजों का मिलान नहीं हो पाया तो इसके दस्तखत दिए गए, वो भी फर्जी पाए गए। इसके बाद पुलिस को बुलाकर इसे अरेस्ट करवा दिया गया। जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने सच उगल दिया कि पैसे लेकर किसी और के बदले परीक्षा देने पहुंचा था। कुछ ऐसी ही तस्वीर कोटा में दिखी, जहां ग्राम विकास अधिकारी के मेंस एग्जाम में अरुण कुमार मीणा नाम के अभ्यर्थी की जगह ये जनाब परीक्षा देने पहुंच गए। इनका नाम है अशोक कुमार बिश्नोई, लेकिन अभी अपनी किस्मत को रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि लालच में न पड़ते तो ही अच्छा होता, कम से कम पुलिस के चक्कर में तो न फंसते। बिश्नोई साहब के हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। गेट पर फर्जी आई कार्ड दिखाकर परीक्षा केंद्र में दाखिल हुए, एग्जामिनेशन रूम तक भी पहुंच गए, लेकिन इनकी किस्मत भी खराब थी। जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया और ये भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फर्जी अभ्यर्थी बैठने का मामला है, इसके बारे में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है पूरी। कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, किस तरह कैसे सेंटर में घुसा अंदर? अपने जो फोटो है उसको ऑनलाइन मर्ज कर एडिटिंग कर और झूठी फोटो लगाकर ही घुस गया अंदर और इसने परीक्षा दी और ये पकड़ में आया। जिससे रहने वाला ये अभी पता चल रहा है, जो प्रथम दृष्टया धोरी मन्ना बाड़मेर का है, अशोक इसका नाम है। और मूल अभ्यर्थी कहाँ है? जो मूल अभ्यर्थी है वो भी पकड़ से बाहर है, उसको जल्दी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। वो गंगापुर सिटी का है। अब इसमें आगे कार्रवाई SOG करेगी या नहीं? आजकल जैसा कि नियम है, इसमें एडिशनल SP साहब जो है वो तफ्तीश करते हैं, उनके नाम ही तफ्तीश होगी, वो इसमें तफ्तीश करेंगे। रीट की चीट हो या फिर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, राजस्थान में नकल वाले मुन्ना भाई काफी सक्रिय हैं। पकड़े जाने के बाद भी इनकी हिम्मत नहीं टूटती और नकल का कोई न कोई नायाब नुस्खा इजाद कर ही डालते हैं। राजस्थान तक के लिए अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा के साथ कोटा से संजय वर्मा की रिपोर्ट।